पर रुचिका शर्मा आई सपोजिटली पीएचडी पी एच डी सी रिस्पॉन्डेड और मैंने उनका खंडन करते हुए एक वीडियो पोस्ट करी आई शोड कि उनकी एनालिटिकल केपेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है पर आज वो फाइनली वीडियो आ चुकी है और मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि रुचिका शर्मा को परमवीर चक्र के लिए नॉमिनेट किया जाए क्योंकि इतनी मूर्खतापूर्ण भरी बातें करना ये तो अलग बात है और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके इतनी हिम्मत लाना कि उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना एज अ पब्लिक रिकॉर्ड अपने आप को करने के लिए ऐसी बहादुरी के लिए आई सीरियसली थिंक नेटल परमवीर चक्र अब आते हैं स्टेंस पे फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ अ इकॉनमी और शेयर कितना वर्ल्ड इनकम में इट हैज नथिंग टू डू विद रिचनेस ऑफ अ कंट्री एक एग्जाम्पल देते हैं आज के समय में इंडियन इकोनॉमी ऐसा कहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की now does that mean we are third richest economy in the world what kind of an idiotic logic is this ये ऐसे समझ लीजिए मान लीजिए एक परिवार के पास एक करोड़ रुपए हैं है hmm. तो हम कहेंगे भाई बाकी सारी फैमिलीज पे अगर 20-20 लाख है इट इज द richest असेंबली इन द वर्ल्ड लेकिन अगर उस फैमिली में एक करोड़ लोग हैं when you say they are the richest family in the world पहली बात दूसरी बात even mentioning the share of indian world income is such a preposterous argument िकॉज यू आर एलिमिनेटिंग द बैकग्राउंड वो मैं दिखा देता वो आपको एंग्स मेडिसन की स्टडी से विच शी लव सो मच उन्होंने खुद तो कभी खोलकर देखी ली शी जस्ट पोस्टेड इट फ्रॉम सम वेबसाइट तो यह देख लीजिए उठाकर मैं लाया हूं आपके लिए जीरो एडी में इंडिया की पर कैपिटल इंडिया का शेयर वर्ल्ड इनकम में थार्टी टू पॉइंट नाइन परसेंट थाउजेंड एडी में इट बिकेम ट्वेंटी हंड्रेड में बिफोर अराइवल ऑफ बाबर अकबर फलान दिपगान It was 24.5%. Or 1600 tak aate aate, when Akbar was ruling, it was down to 22.6%. Bad mein by 1700 it reached 24.4%. Still well below where it was at 1500 before Mughals. Now against this background, how can anyone use India's share in world income as an argument for proving how great the Mughals were? India was richest economy under Mughals see the share. अरे भाई पहले का देखो ना कितना था और उसके बाद कितना हो गया और पॉपुलेशन शेयर भी देखो ना ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर भी हुआ बिकॉज पॉपुलेशन परसेंटेज ऑल्सो ग्रीवअप इंडिया शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन आई मीन दिस इज सो मीन इससे बड़ी दो नंबर का काम के लिए इमेजिन एनी थिंग अब साइज जैसे कि मैंने बोला साइज ऑफ इकॉनमी हैज नथिंग टू डू विथ हाउ रिच अ कंट्री इज फॉर दैट यू हैव टू सी पर कैपिटल इनकम कि एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड क्या है

इंडिया पर कैपिटल इनकम वॉज फाइव फिफ्टी डॉर्सटीन हंड्रेड में इट स्टिल स्टॉक इंडिया और ऐसा नहीं है कि बाकी देशों के साथ भी ऐसी हो गया ऊपर देखिए आपको इंडिया से रिचर कंट्रीज दिख जाएंगी ऑस्ट्रिया 1500 में 707, 1600 में 837, उसके बाद 993, बेल्जियम 875, 976, 1144 dmar 738 875 1039 वर्ल्ड का ही देख लो सबसे नीचे 565 91500 उसके बाद 593 फिर 615 मुगल्स वर होल्डिंग अस बैक दिस इज द एक्चुअल डाटा शितनटीवन इवन है टू चेक इट बिकॉज़ शी इज नॉट अ स्कॉलर शी इज अ फ्रॉड और ये वन बोलिए कि हम सिर्फ चेंजेस ही नहीं देख रहे कि ग्रोथ कितनी हो रही है सबकी

उसके बाद 58.8 हो गई उसके बाद 43.3 हो गई डिक्लाइन कौन कॉज कर रहा है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इज दिस हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज दिस हाउ शी रीड्स डेटा अपने सपोजिट खंडन में इन्होंने एक और चीज यूज करी कि औरंगजेब के टाइम पर मुगल स्टेट रेवेन्यू कितना व्हाट इज दैट got to do विद एनीथिंग अकबर के टाइम पर कितना स्टेट रेवेन्यू था